أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مؤقر उलमाए किराम, मुंतज़िमीन इजलास, ज़िम्मेदारान मस्जिद उस्मान गनी, हजरात, ख़वातीन, प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब के लिए बड़ी फरहत व मसर्रत का मौका है कि इस मजलिस में हम हाजिर हुए और इल्मी खिताबात से मुस्तफीद हुए। जो जो मौजूआत थे इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं कि वक्त की बहुत अहम ज़रूरत थी कि इन मौजूआत पे बोला जाए और सुना जाए। इंसानी ज़िंदगी पर दुआओं का असर बहुत उम्दा खिताब था। दुआ की अहमियत, दुआ की ताकत, दुआ का असर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। तकदीर में जो चीज़ें लिखी जा चुकी हैं वह नहीं बदलती। तकदीर में जो नुकसान लिखा है, जो खसारा लिखा है, जो बीमारी लिखा है वह नहीं बदलती। एक ही चीज़ बदल सकती है वो दुआ। इससे मालूम होता है कि दुआ की ताकत क्या है, दुआ का पावर क्या है। और माह रबीउल अव्वल में होने वाली बिदअत बहुत ही मुदल्लल खिताब रहा, उम्मत को ऐसी इल्मी बातों से नसीहत हासिल करने की ज़रूरत है। तौहीद के असरात इंसानी ज़िंदगी पर, तौहीद है तो सब कुछ है, तौहीद नहीं तो कुछ भी नहीं है। सरे फहरिस्त नेकियों में तौहीद है, सरे फहरिस्त गुनाहों में शिर्क है। इससे मालूम होता है कि तौहीद कैसी चीज़ है। इत्तेहाद और इत्तेफाक वक्त की कितनी अहम ज़रूरत है। इसके बग़ैर इंसानियत, समाज, सोसाइटी कामयाब नहीं हो सकती। और आज जो फितने रूनुमा हो रहे हैं इससे बचने की कितनी ज़रूरत है, यकीनन एक चैलेंज से कम नहीं है ये। घर से बाहर निकलकर इंसान अपनी मंजिल तक पहुँचे, दरमियान में कितने फितने हैं, इससे महफूज रहे ये एक चैलेंज की बात बन गई है। और घरों की इस्लाह, अहलो आयाल की इस्लाह, तासुरात में ये भी बातें आईं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अहलो आयाल की इस्लाह के ताल्लुक से, आए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को उस जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग हैं और पत्थर हैं, और उस जहन्नम पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते बतौर निगरान मुकर्रर हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ताला जिस चीज़ का उनको हुक्म दिया है उसकी नाफरमानी नहीं करते, और अल्लाह ताला जो उनको हुक्म दे रहा है हर हाल में वह उसके फरमा बरदार हैं। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अब्दिन यस्तरगीहिल्लाहु रगियतन यमूतु यौम यमूतु वहुवा गाशुन लिरगियतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। अल्लाह ताला किसी को निगरान बनाया, जैसे एक मस्जिद का निगरान होता है, मदरसे का निगरान, एक कंपनी का निगरान,
जिस जगह का भी अल्लाह ताला उसे निगरान बनाए, यह यमूतु यौम यमूतु व हुवा गाशुन लिरगियतिहि, अपनी निगरानी में लापरवाह होता है यहाँ तक कि उसकी मौत आ जाती है, मरने तक लापरवाह होता है, घर के माँ बाप उसके बच्चे उनके बच्चों के निगरान हैं, बच्चे दीन पर कायम हैं या नहीं हैं माँ बाप उसके निगरान हैं, बच्चे नमाजी हैं या बेनमाजी हैं माँ बाप उसके निगरान हैं, बच्चे तौहीद परस्त हैं या मुशरिक हैं, मुवहिद हैं या मुलहिद हैं माँ बाप उसके जिम्मेदार हैं, और ये बच्चों के अंदर इन बुराइयों को देखें, एक घर में एक बच्चा बेनमाजी है, एक बच्चा दीन से उखड़ा हुआ है, एक बच्चा अखलाक का गिरा हुआ है, एक बच्चा तौहीद से दूर है, लेकिन माँ बाप ये सोचेंगे कि अभी बाद में समझाएंगे, बाद में 8 दिन के बाद, रमज़ान के बाद, ईद उल अज़हा के बाद, अभी इसकी पढ़ाई ख़त्म होने दो, इसी लापरवाही में उनकी मौत आ जाती है। हर्रम अल्लाह अलैहिल जन्ना, अल्लाह ताला ऐसे माँ बाप पर जन्नत को हराम कर दिया है, ऐसे माँ बाप पर जन्नत हराम है, क्यों? जिम्मेदार अल्लाह बनाया, जिम्मेदारी में लापरवाह रहे। और देखिए कुरान व हदीस के अंदर मिसालों की भरमार है, अंबिया अलैहिस्सलाम अपने बच्चों की कैसी फिक्र करते थे, अंबिया अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन की कैसी फिक्र करते थे, सहाबा किराम अपने बच्चों की तरबियत और तालीम का कैसा एहतिमाम करते थे, सरे फहरिस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लीजिए, अपने वालिद को शिर्क में देखते हैं, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के साथ शिर्क किए जाने जैसे बहुत बड़े गुनाह में देखते हैं, अपने बाप को देखकर खामोश नहीं रहते, वालिद को ये बुराई में देखकर खामोश नहीं रहते, उनको नसीहत करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वज़कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, किताब में इब्राहिम का जिक्र कीजिए, यकीनन वो सच्चे नबी थे। देखिए सिद्दीकन नबिया, सच्चे नबी थे, ये सच्चाई नबूवत के बाद जो दर्जा है वह सिद्दीक का दर्जा है, सच्चे नबी थे। इज़ क़ाल ली अभी ही, अपने वालिद मोहतरम से फरमाते हैं जब उनको शिर्क के आलम में देखते हैं, लिमा तअबुदु माला यस्मउ वला युबसिरु वला युग्नी अंका शैआ, वालिद मोहतरम उन बुतों की पूजा क्यों करते हैं जो ना सुनते हैं, जो ना देखते हैं, ना ही आपको कोई नफ़ा पहुँचाते हैं। या अबति इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबिगनी अहदिका सिरातन सबिया, वालिद मोहतरम मेरे पास वह इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया है। वह क्या इल्म है? अल्लाह की मारिफत का इल्म, यकीन का इल्म, मरने के बाद उठाए जाने का इल्म, बरज़ख का इल्म, हिसाब व किताब की घड़ियों का इल्म, जन्नत और जहन्नम के फैसलों का इल्म, मुशरिकीन का ठिकाना जो हमेशा जहन्नम है उसका इल्म मेरे पास आया है, मुझे मालूम है शिर्क की कबाहत क्या है और शिर्क की शनाहत क्या है। फत्तबिगनी अहदिका सिरातन सबिया, इसलिए मेरी बातों को आप मानो, मैं यकीनन आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। या अबति ला ताबुदि शैतान, वालिद मोहतरम शैतान की इबादत ना कीजिए, इन शैतान कान लिर्रहमान आसिया, शैतान तो अपने रहमान अपने खालिक का नाफरमान ठहरा है। ये नहीं देखा वालिद मोहतरम मेरे से बड़े हैं, मैं उनको कैसे नसीहत कर सकता हूँ, नहीं, घरों की इस्लाह में छोटे बड़ों की परवाह नहीं की जाएगी, उनके अंदर जो बुराई है जो मुनकर है उससे रोकना पड़ेगा। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों की इस्लाह कर रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाता है अम कुंतुम शुहदा इज हज़र याकूब अल मौत इज क़ाल ली बनीही मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदन व नहनु लहू मुस्लिमून। क्या उस वक्त तुम हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम इंतकाल का वक्त आया था, उनकी वफात हो रही थी, इज़ क़ाल ली बनीही, वफात के वक्त अपने बच्चों को जमाते हैं,
देखिए सारी जिंदगी बच्चों की इसलाह करते रहे, बच्चों की तरबियत का ख्याल करते रहे, उनकी तालीम का इंतजाम करते रहे, मौत के वक्त भी अपने बच्चों को जमा किए, जमा कर कर ये पूछा माता बुदूना मिम्बादी, मेरे बच्चों मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। फिक्र देखिए बच्चों की फिक्र, आखिरी वक्त में इंतकाल का वक्त है, दमे विशाल है, बच्चों के ताल्लुक से फिक्र है, तो किस बात की फिक्र है, कहीं मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे मुशरिक ना हो जाएं। माता अबुदू ना मिम्बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। कालू ना अबुदु इलाह का व इलाह आबाई का इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक इलाह वाहिद व नहनु लहू मुस्लिमून। अब्बा जान हम आपके मरने के बाद आपके आबा व अजदाद इब्राहिम इस्माइल इसहाक इन सब के माबूद की इबादत करेंगे जो एक ही माबूद है और हम सब उसी के फरमा बरदार हैं। जैसे ये अंबिया की इबादत, जैसे ये अंबिया जिस अल्लाह की इबादत करते थे, हम भी उसी माबूद की इबादत करेंगे, तब जाके सुकून मिला। ये तरीका है, ये शेवा है अंबिया का कि अपने अहलो आयाल की इसलाह कैसे करते थे। लुक्मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हैं, या बुनैया अकीमिस सलाता वामुर बिल मारूफी वन्हा अनिल मुनकरी वस्बिर अला मा असाबका इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। कितनी प्यारी नसीहत है ये, ऐ मेरे बच्चे अकीमिस सलाता, नमाज कायम रखना, नमाज कायम रखना। नमाज इस्लाम के अरकान में से अहम रुकन है, अहम रुकन है। मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाला अमल है। या बुनैया अकीमिस सलाह, बच्चे नमाज कायम करना, वामुर बिल मारूफी नेकी का हुक्म देना, ये अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, लोगों को नेकी का हुक्म देना और लोगों को बुराई से रोकना, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जैसा कि हमारे दोनों मेहमान खुसूसी ने इस बात पे तवज्जो दिलाई, नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना ये हर एक की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला खैर उम्मत का लकब किसी और को नहीं दिया, इस उम्मत को दिया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम खैर उम्मत हो, लोगों के लिए निकाले गए हो, तुम नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना, इतना प्यारा लकब पहली उम्मतों में से किसी को नहीं मिला। लेकिन इसके हकदार कब होंगे, इसके मुस्तहिक कब होंगे, जब लोगों जब ये काम अंजाम देंगे, ये काम अंजाम देंगे। ये कुंतुम खैरा उम्मतिन से ये बात मालूम होती है, अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी दिया है हमें। अगर एक आदमी मुसलमान है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम नहीं कर रहा है, उसकी मिसाल ऐसी ही है। एक बच्चे की ख्वाहिश है कि जामिया में दाखिला ले, लेकिन वो पहले ही बोल दे मैं जामिया में जाके पढ़ना नहीं है मुझे। एक आदमी की ख्वाहिश है मैं फौज में भर्ती होऊंगा, लेकिन जो है मुझे लड़ने नहीं जाना है। ऐसी ही मिसाल उस मुसलमान की है जो मुसलमान बोलता है लेकिन ये काम ये फरीजा अंजाम नहीं देता है। और वस्बिर अला मा असाबका, ये जिंदगी है, मुसीबतें आती हैं, बेसब्र नहीं होना, ये जिंदगी है, ऊंच नीच नफा नुकसान ये सब जिंदगी में आके रहेगा, लेकिन सब्र करना आने वाली मुसीबतों पे, सब्र करना। और दूसरी बात, जब ये काम करेंगे अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम करेंगे तो परेशानियां आएंगी, मुसीबत आएंगी, उस पे सब्र करना। इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़े ताकीदी काम है, ये बहुत ताकीदी काम है, लेकिन इसे अंजाम देना। और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाह की तालीम दिए, अपने घर वालों की इस्लाह करो, और उसके नमूने किताब व सुन्नत के अंदर मौजूद हैं। जैसे मैंने अंबिया के नमूनों को गिनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने
वालिद को नसीहत करते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम अपने औलाद को नसीहत करते हैं, लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हैं। देखिए एक मरतबा ऐसे हुआ, बुखारी किताब ज़कात की हदीस है, अखद अलहसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु तमरतम मिन तमरी सदक़ती फजअलहा फीही فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال اما شعرت ان لا ناكل صدقه اخرجه البخاري في كتاب الزكاه حديث پاک بخاری کتاب الزکاۃ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ زکات کے کھجوروں میں سے یہ کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ آپ کو معلوم ہے زکات आले मोहम्मद पर जायज नहीं है, सदकात की चीज़ें जायज नहीं हैं। जब इस चीज़ को देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपने फरमाया किह किह थूको थूको लियत रहा, आपने ये इतनी बार कहा थूको थूको ताकि वो चीज़ बाहर निकल जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा शअरता अन्ना ला नाकुलु सदका, क्या तुमको मालूम नहीं हम सदकात नहीं खाते। इससे क्या मालूम हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमली नमूना हमारे सामने है कि हराम माल से हमारे बच्चों की हम हिफाजत करें, गलत माल खाने से हमारे बच्चों की हिफाजत करें। और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब अपने बच्चों के अंदर सुन्नतों की मुखालफत को देखते तो गुस्सा होते। एक रिवायत है इब्ने माजा की कि अन इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لا تمنع إماء الله أن يصلين في المسجد فقال ابن له إنا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا ثم قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے، لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے سے نہ روکو، ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फ़क़ाला इब्नुल्लहू, उनके फ़र्जंद ने कहा इन्ना लनमनउहुन्ना, हम मना करके रहेंगे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इतना गुस्सा हुए, इस कदर गुस्सा हुए, डांट कर उनको कहा उहद्दिसुका अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़ूलु इन्ना लनमनउहुन्ना, अरे मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा हूँ, तुम कहते हो कि हम मना करके रहेंगे, शर्म नहीं आती। देखिए बच्चे को खिलाफ सुन्नत बात जब उनके बच्चे के मुंह से निकली बर्दाश्त नहीं किया। आज हमें गुस्सा आता है, हमारी बात ना माने हम बच्चों पे गुस्सा करते हैं, हमारी आवाज पे ना आए हमें गुस्सा आता है, हमारा काम ना करें हमें गुस्सा आता है, हमारी नाफरमानी करें हमें गुस्सा आता है, लेकिन सारी जिंदगी हमारी औलाद की किताब और सुन्नत के खिलाफ गुजर रही है, हमें इस पर गुस्सा नहीं आता। यह सहाबा का शेवा नहीं है, यह अमल सहाबा नहीं है, यह सहाबा का तरीका नहीं है। यह चीजें हमारे अंदर होना, यहां पे मालूम यह हुआ कि औरतों को मस्जिद में आने से ना रोको, यह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेटा मुखालफत किया, वालिद को कितना गुस्सा आया। और एक बात देखिए, बच्चों के अंदर उनके अंदर ऐसी चीज देखें जो किताब व सुन्नत में जायज नहीं है, फौरन डांट पिलाएं। आज देखिए हमारे बच्चों के अंदर कपड़े पहनने का तरीका नहीं, पैंट पहनने का तरीका नहीं, बाल कैसे रखना मालूम नहीं, बिल्कुल वजाकता से बहुत दूर उनका रहन सहन, ये चीज़ जायज़ नहीं। एक मिसाल में एक हदीस है, देखिए मुस्लिम किताबुल अयमान की हदीस है, अन अब्दुर्रहमान इब्न यजीद क़ाला कुन्ना इंदा अब्दिल्लाह यानि इब्न मसऊद फजाअ इब्नुल्लहु अलैहि कमीसुम मिन हरीरिन क़ाला मन कसा का हाजा क़ाला उम्मी
قال فشقه قال قل لي امك تكسوك غير هذا اخرجه مسلم في كتاب الايمان کہ وہ فرماتے ہیں کون عبد الرحمن ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جاء ابن اللہ ان کا بچہ آیا علیہ قمیص من حریر اس بچے پر ریشمی قمیص تھی ریشمی قمیص پہن کے آیا آپ کو معلوم ہے ریشم مردوں کے لیے حرام ہے ریشمی قمیص پہن کر آیا بچے سے کہا من کسا کہا تھا یہ قمیص کس نے پہنایا قال امی بچے نے کیا جواب دیا ماں نے پہنایا آپ اس قمیص بچے کو سامنے لیے قمیص کو پھاڑ دیا کہا قل لی امی کا تکسو کا غیر ہذا ماں سے کہو دوسرا لباس پہنائے یہ طریقہ ہے اصلاح کا حرام چیز بدن پہ دیکھے کوئی منزل نہیں تھی سوچنے سمجھنے کی پھاڑ دیے جاؤ ماں سے کہو کہ دوسرا کپڑا پہنائے معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال لطمت مولا لنا فہربت ثم جئت قبیل الظہری فصلیت خلف ابی فدعاہ ودعانی قال امتثل منہ فعفا یہ حدیث مسلم کتاب الایمان کی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارا ایک نوکر تھا غلام میں نے اس کو تھپڑ مار دیا لطم تو مولا لنا تھپڑ مار تو دیا والد صاحب کے ڈر سے بھاگ گیا دیکھیے بچوں کے اندر ان کی تربیت کیسی تھی صحابہ کرام کی اپنے بچوں کے لیے تربیت کیسی تھی کہ میں تھپڑ مار دیا لیکن اب والد صاحب سے کیسے بچوں بھاگ گیا ثم جئت قبیل الظہری دیکھیے بھاگوں گا تو جہاں بھی نماز میں تو حاضر ہونا ہے ارے نماز سے چھٹی کیسے مل سکتی ہے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے جئت قبیل الظہری ظہر سے ذری دیر پہلے میں آیا صلیت خلف ابی والد صاحب امامت کرا رہے ہیں میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیا جب نماز ہوئی دغاہ و دغانی غلام کو بلایا مجھے بلایا اور غلام سے کہا اسے بدلا لو مارو تھپڑ اسے تم کو تھپڑ مار کے گیا مارو تھپڑ اسے فغفا وہ غلام کے اخلاق کو دیکھیے اس نے مجھے معاف کر دیا آج ہمارے بچے روڈیزم پہ اتر آئے ہم اس کا احساس نہیں لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں گاڑی چلانے کا طریقہ نہیں جانتے فٹ پاتھوں پہ گاڑی چلاتے ہیں پیدل آنے والوں کو گراتے ہیں زخمی کرتے ہیں سگنل توڑتے ہیں اور پھر جو ہے ان کے اوپر لفاظی پہ اتر آتے ہیں لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں شرم نہیں آتی ہمیں معلوم ہے ہمارے بچے اتنے زیادہ روڈیزم پہ اتر آئے ہیں لیکن کبھی بلا کے ان کو تربیت نہیں دیتے ان کی اصلاح نہیں کرتے اور اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ والدین کا نیک ہونا سب سے پہلے گھر کے اندر عورت کا نیک ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة پوری دنیا دولت ہے یہ دنیا کے اندر کیا نہیں ہے سونا ہے چاندی ہے کتنی پیٹرول ہے کتنی دولت ہے پوری دنیا دولت ہے لیکن دنیا کی سب سے اونچی دولت سب سے عظیم دولت دنیا کی وہ کیا ہے المرأة الصالحة وہ نیک عورت ہے کسی کو نیک عورت مل گئی گویا اس کے اندر جو ہے اس کے لیے ساری دولت مل گئی اسی واسطے اس حدیث کے اندر تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین دیندار عورت پر اس حدیث کے اندر ترغیب دلائی گئی اور رسول اللہ آخری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راغ وکلکم مسئول عن رعیته فالامام راغ وهو مسئول عن رعیته والرجل راغ فی اہلہ وهو مسئول عن رعیته والمرأة راغیۃ فی بیت زوجها وهي مسئولۃ عن رعیتها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک اپنی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام قوم کا نگران ہے اگر قوم کے اندر سدھار نہیں آیا
अल्लाह ताला क़ियामत के दिन इमाम से पूछेगा, वर रजुलु रागिन फी अहलिही, घर का मर्द घर के अंदर अपनी बीवी और अपने बच्चों का जिम्मेदार है। अगर बीवी सही रास्ते से उखड़ी हुई है और बच्चे सही रास्ते से दूर भटक गए हैं, अल्लाह ताला उस मर्द को सवाल करेगा, वल मरअतु रागियतुन फी बैति ज़ौजिहा वही मसूलतुन अन रईयतिहा, औरत उसके शौहर के घर में निगरान है, घर की निगरान है, औलाद बिगड़ी है, घर का माहौल बिगड़ा है। तो याद रखिए, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उस औरत से सवाल करेगा, ये तेरी जिम्मेदारी थी, तूने इस जिम्मेदारी को कहाँ तक पूरा किया या क्यों पूरा नहीं किया। तो ये चंद बातें थीं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें हमारे अहलो आयाल की इस्लाह में नुमायां किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और कल रोज़े क़ियामत हमें अल्लाह के पास मुजरिम ना ठहरें कि हम जो है अपनी जिम्मेदारी में लापरवाह और काहिल होकर अल्लाह के सामने हाजिर हों, ये हमारी नौबत ना आए। अकुलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।